हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि आपकी आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। आजकल फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपका चश्मा भी बिल्कुल उतर जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आजमा कर देखिए, क्योंकि ये मेरे खुद के ऊपर आजमाया हुआ है। मेरी आई साइड इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी तो मुझे किसी डॉक्टर ने ही ये बताया था कि आप इस पाउडर को लीजिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको इसे कितनी मात्रा में लेना है तो ये भी मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम सौंफ ली है और सौंफ को मैंने एक कपड़े से पोंछकर साफ कर लिया है। और इसके अंदर अगर आपको कोई तिनका वगैरह दिखाई दे तो उसे आप इसके अंदर से निकाल दें। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई ओखल है तो आप इसे ओखल के अंदर डालिए और थोड़ा सा कूट लें। लेकिन अगर आपके पास ओखल नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से सौंफ को हल्का सा दरदरा सा पीस कर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, सौंफ को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 100 ग्राम बादाम डाल दूंगी। जितना हमने सौंफ लिया है उतना ही हमने यहाँ पर बादाम लेना है। बादाम को भी हम कूट लेंगे इसके साथ में। अगर आपके पास ओखल नहीं है तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये ओखल है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोहे की ओखल के अंदर इसको कूटने से इसका असर जल्दी होता है। ये देखिए, बादाम को भी हमने इसके साथ में कूटकर तैयार कर लिया है। और अब हम इसके अंदर मिश्री ऐड करेंगे। तो आपको इसके अंदर ये मोटे वाली मिश्री ऐड करनी है, जिसे कि आप धागा मिश्री बोल सकते हैं, धागे वाली मिश्री आप इसको बोल सकते हैं। बारीक वाली मिश्री आप इसके अंदर बिल्कुल ना डालें, ये मोटे वाली मिश्री आप इसके अंदर डालिए। तो 100 ग्राम ही हमने यहाँ पर ये मिश्री ऐड की है और मिश्री को भी हम इसके साथ में कूट लेंगे। आपको इसके अंदर ये तीनों चीज़ें एकदम बराबर मात्रा में डालनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिश्री को भी इसके साथ में कूट कर तैयार कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से बारीक नहीं हो पा रहा है, थोड़ा इसको बारीक करने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है। हल्का सा मैंने मिक्सी में इसको चलाया है, ये एकदम पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए और आप इसे 1.5 से 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इसे फ्रीज के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसे रात में सोते समय लेना है और गर्म दूध के साथ में लेना है। और इसे लेने के बाद में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको 2 घंटे तो आप पानी बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो आप हल्का गर्म करके पानी लीजिए। ठंडा पानी आप रात भर बिल्कुल ना पिएं, ज़रूरत पड़ती है तो गर्म पानी पी सकते हैं। आप इस पाउडर को तभी लीजिए जबकि आप बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं। इस पाउडर को बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी ले सकता है। जिसकी भी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है वो ज़रूर लीजिए, या फिर आपकी आई साइट वीक नहीं है, आप अपनी आंखों को पहले से ठीक रखना चाह रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। 15 साल तक या फिर 15 साल से ऊपर की एज वाले इसको इस तरीके से 1 चम्मच भर कर ले लीजिए और उसके ऊपर से आप गर्म दूध पी लें। और अगर छोटे बच्चे को आपको देना है, जैसे 6 से 7 साल तक के बच्चे को, तो इस तरीके से आप 1 चम्मच में इसको डालकर दे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। आप लोगों के लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और आगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करने की प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस नुस्खे को आजमाने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। चाहे अपना कमेंट आप 1 महीने या 2 महीने के बाद में मुझे शेयर करें, आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप इसी तरह के बाकी के नुस्खे भी मेरे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे यहाँ सैरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे बाकी नुस्खों को भी देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।